बुधवार के दोपहर दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईईडी हमला हुआ। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह घटना बहुत दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पोरो हिडमा इलाका में दरबारी माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे, उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त री इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गए हैं। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल के जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण